नमस्कार साथियों, मैं गौरव स्वागत करता हूं जीएनसी नर्सिंग कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की डिसीज चल रही है, जिसके अंतर्गत आज हम वैस्कुलर डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। और वैस्कुलर डिसऑर्डर में सबसे पहले हम वेन के बारे में बात करेंगे, और वेन में सबसे पहले जो हमारी डिसीज है वो है वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन की सबसे पहले डेफिनेशन जानेंगे। डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन वेरिकोज वेन, अब नॉर्मल डायलेशन ऑफ वेन इज नोन एज वेरिकोज वेन। मान लीजिए अपनी वेन है, वेन का अबनॉर्मली तरीके से डायलेट हो जाना, ये वेन है, नॉर्मल वेन है। अगर इसी वेन का यहां पर अबनॉर्मल तरीके से ऐसे डायलेट हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? कहेंगे अपन वेरिकोज वेन। मोस्टली अपनी दो प्रकार की हमने देखा, अबनॉर्मल डायलेशन ऑफ वेन इज नोन एज वेरिकोज वेन। किसी भी वेन का, या कह सकते हैं अपनी वेन का अबनॉर्मल तरीके से डायलेट हो जाना, वो क्या कहलाएंगे? वेरिकोज वेन कहलाएंगे। अपनी जो वेन होती है वो दो प्रकार की होती है, टू टाइप। इसमें से बात की जाए तो सबसे पहले होती है सुपरफिशियल वेन, दूसरी होती है डीप वेन। जो अपनी सुपरफिशियल वेन होती है वो सिर्फ 10% ब्लड को ड्रेन करती है, और जो डीप वेन होती है वो 90% ब्लड को अपनी ड्रेन करती है। जो अपन नॉर्मली हाथ के ऊपर कहीं भी अपनी बॉडी पर जो अपन वेन को देखते हैं वो होती है अपन सुपरफिशियल वेन। ये सुपरफिशियल वेन केवल 10% ब्लड को ड्रेन करके डीप वेन में छोड़ती है। कहने का मतलब ये भी इस कनेक्शन, यानी सुपरफिशियल वेन का भी कनेक्शन किससे होता है? डीप वेन से होता है। कह सकते हैं यहां पर कौन सी वेन है? यहां मान लीजिए सुपरफिशियल वेन है, ये आगे वेन चल करके ये डीप वेन, ये नीचे वाली जो वेन बना रहा हूं ये डीप वेन है, ये आगे चल करके कितना, ये मान लीजिए जो 10% ब्लड को ड्रेन करके लाई थी ये किस में छोड़ देगी? ये डीप वेन में छोड़ देगी। तो कह सकते हैं ये 90% ब्लड को ड्रेन करती है, और जो अपना सुपरफिशियल वेन होती है वो 10% ड्रेन करती है। और वेरिकोज वेन ज्यादा मोस्टली देखने को मिलता है सुपरफिशियल वेन में देखने को मिलता है, और डीप वेन जो है इसमें ना के बराबर देखने को, यानी कह सकते हैं डीप वेन में मोस्टली ये कंडीशन अपीयर नहीं होती है, या ना के बराबर ये कंडीशन अपीयर होती है, लेकिन बहुत बहुत ज्यादा कम। ये होगी अपनी दोनों वेन के बारे में। अगर बात करें साइट जो है, यानी वेरिकोज वेन की दो साइटें हैं मोस्टली, एक तो होती है एनल कैनाल और दूसरी होती है लेग वेन। अगर बात की जाए जो अपना वेरिकोज वेन है मोस्टली दो साइट पर ज्यादा कॉमन है। पहली बात की जाए लेग वेन में मोस्ट कॉमन है, दूसरी बात की जाए एनल कैनाल पर। ऐसी वेन जो एनल कैनाल पर होती है उसे कहते हैं एनल वेन। मोस्टली इसमें भी वेरिकोज वेन पाया जाता है, लेकिन इस कंडीशन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पाइल्स या हिमोरॉइड, या इसे कहते हैं पाइल्स। इसे हम पाइल्स या हिमोरॉइड कहते हैं, क्यों? क्योंकि अब एनल वेन का अगर डायलेट हो जाती है उस समय उस कंडीशन को अपन हिमोरॉइड कहते हैं। मोस्टली ये कैसे होता है? मान लीजिए ये एनल वेन है, एनल वेन किससे जुड़ी है? ये जुड़ी है इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन, ये इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन से जुड़ी है। क्योंकि जो एनल वेन है या एनल कैनाल है वो किसका पार्ट है? वो सुपीरियर, वो है अपनी लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। वो किसका पार्ट है? लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में पूरी, यानी जो पूरे लार्ज इंटेस्टाइन से जो वेन ड्रेन करके ब्लड ले जाती है अपनी पोर्टल वेन में, वो होती है इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन। और बात करें जो एनल वेन होती है, एनल वेन अपने इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन से अटैच होती है। तो कह सकते हैं जो अपना एनल वेन है इसमें का सारा ब्लड किस में जाएगा? इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन में जाएगा, और इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन में जाने के बाद ये किस में जाएगा? ये जाएगा पोर्टल वेन में जाने के बाद ब्लड किस में जाएगा? ये पोर्टल वेन जो सिस्टम होता है वो लिवर से जुड़ा होता है, लिवर में जाएगा। लिवर के बाद लिवर से निकलने वाली जो वेन है उसे कहते हैं हिपेटिक वेन। हिपेटिक वेन के बाद इन्फीरियर वेना कावा के बाद ये सीधा जाएगी अपने राइट एट्रियम ऑफ हार्ट। किस में जाएगी? ये राइट एट्रियम में जाएगी। और यहां पर कह सकते हैं जो अपना एनल वेन होती है, हेमोराइड कब होता है? मान लीजिए किसी भी व्यक्ति में
लिवर सिरोसिस, लिवर खराब है एट द टाइम ऑफ दैट कंडीशन ये प्रॉब्लम आ सकती है, यानी हेमोरॉयड की कंडीशन डेवलप हो सकती है। दूसरी बात करें अगर किसी का राइट साइडेड हार्ट फेलियर है, अगर राइट साइडेड हार्ट फेलियर है, राइट साइडेड हार्ट फेलियर के अंतर्गत भी हेमोरॉयड की कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो हमने देखा कि अगर एनल वेन में अगर वेनकोसिटी हो जाए, वेरिकोज वेन हो जाए, तो उस कंडीशन को अपन कहेंगे हेमोरॉयड या पल्स। ये कंडीशन हमने देखा कि जब लीवर खराब हो जाए, लीवर सिरोसिस हो जाए, या दूसरी बात करें अपना राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो जाए, तो दोनों कंडीशन में अपना एनल जो क्या कहते हैं या हिमोराइड है पाइल से ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। दूसरा बात करें लॉन्ग टाइम सिटिंग पोजीशन, अगर कोई भी व्यक्ति अगर लंबे समय तक बैठा रहता है उस कंडीशन में अपनी एनल वेन या हिमोराइड की कंडीशन डेवलप हो जाती है। क्यों? क्योंकि बटक्स पर मोर प्रेशर पड़ने का, एनल वेन पर मोर प्रेशर पड़ने के कारण जो वेन है यहाँ की वेनकोसिटी उसमें डेवलप हो सकती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इसके बारे में क्या है। दूसरी बात करते हैं अपने लेग वेन, कोई भी व्यक्ति अगर लॉन्ग स्टैंडिंग तक मेंटेन रहता है उस कंडीशन में अपनी लेग वेन में वेनकोसिटी या वेरिकोज वेन हो सकती है। तो यहाँ पर बात करें इसके, अब ये तो कॉमन साइट की बात होगी। नेक्स्ट बात करें इसके अंदर कॉज की या इटियोलॉजी की बात करें तो इसमें अपन देख सकते हैं वेरिकोसिटी या वेरिकोज वेन में यानी अबनॉर्मल डायलेशन वेन में कैसे होगा। मान लीजिए अपनी वेन है, ये वेन है, और जैसे कि पता है वेन को ड्रेन करने के लिए कुछ सिस्टम इसमें बने हैं, जैसे यूनिडायरेक्शनल वाल्व। दूसरी होती है यहां पर मस्कुलर पंप होते हैं, यानी वेन के चारों ओर मस्कुलर पंप पाए जाते हैं। मस्कुलर चैंबर्स पाए जाते हैं। तो होता क्या है, मान लीजिए अपने लेग से अगर वेन को ड्रेन कर रही है, यहां से लेग से अपना ब्लड आ रहा है, लेग से वेन आ रहा है, तो कौन कौन से यहां पर फैक्टर हैं जो कि ब्लड को ऊपर लेकर यानी हार्ट तक लाने के काम आते हैं। मोस्टली इसमें देखा जाए तो पाया जा रहा है यहां पर यूनिडायरेक्शन वाल्व, और दूसरा होता है मस्कुलर पंप। तीसरी बात करें तो यहां पर एक सिस्टम और होता है जिसे कहते हैं अपना रेस्पिरेटरी पंप, यानी तीन पंप, यानी तीन यहां पर सिस्टम होते हैं जिसके द्वारा ब्लड नीचे से यानी लेग से अपने हार्ट के लिए आता है। मोस्टली अगर बात करें जाने के लिए क्या होता है, जाने के लिए कुछ नहीं होता है, आयोटा के बाद सीधा अपना ब्लड नीचे की तरफ चला जाता है, क्योंकि वहां पर ग्रेविटेशन काम करता है। ग्रेविटी के कारण जो अपना आयोटा का ब्लड है वो नीचे तो चला जाता है, लेकिन नीचे से ऊपर लाने के लिए कोई ग्रेविटी काम नहीं कर रही है। यहां पर अपोजिट है, जो ग्रेविटी है अपोजिट है, तो क्या है, ब्लड नीचे से ऊपर इजिली नहीं आ पाएगा। उसके लिए तीन सिस्टम बनाए गए हैं, क्या है, मस्कुलर पंप है यहां पर, यूनिडायरेक्शनल वाल्व है, तीसरा है रेस्पिरेटरी पंप है। तो यहां पर हम देख रहे हैं यूनिडायरेक्शनल वो जो वाल्व होता है वो क्या करता है, मान लीजिए नीचे से ब्लड आया और आने के बाद ये यहां पर आ गया, यानी दो यहां पर, एक यूनिडायरेक्शनल वाल्व है यहां पर है, तो जैसे यहां पर ब्लड आया वैसे ये ब्लड, ये चैंबर या कह सकते हैं ये यूनिडायरेक्शनल वाल्व ये बंद हो गया। उसके बाद जैसे ही ब्लड यहां से मस्कुलर चैंबर काम किए उसके बाद ब्लड इसमें आ गया, किसमें आ गया, यहां पर आ गया, इस कंपार्टमेंट के अंदर आ गया और ये वाल्व बंद हो गए। ऐसे ही इसी तरह ये मस्कुलर पंप काम करते हैं, मस्कुलर चैंबर्स काम करते हैं और ब्लड ऊपर आता रहता है। तो हम कह सकते हैं अगर ये जो यूनिडायरेक्शनल वाल्व है इसमें अबनॉर्मलिटी आ जाए, यानी वाल्वुलर डिसऑर्डर, या तो जो इसमें यूनिडायरेक्शनल वाल्व है इसमें परेशानी आ जाए, इसमें कुछ समस्या आ जाए, या तो ये वीक हो जाए, कह सकते हैं जो इसके अंदर यूनिडायरेक्शनल वाल्व है या तो इसमें कोई डिसऑर्डर आ जाए या वीक हो जाए। तो इसके कारण क्या आप बताएं कि यहां पर मान लीजिए इस कंपार्टमेंट में ब्लड आया, अगर ये वीक हो जाए तो क्या ब्लड नीचे नहीं जा सकता है। मान लीजिए इसमें से कोई भी इसमें से यूनिडायरेक्शनल वाल्व इसमें से बेकार हो गया, अगर नीचे वाला सही है तो अब क्या होगा,
यहां से तो ब्लड नीचे चला गया, तो क्या होगा, इस कंपार्टमेंट में ब्लड रुक जाएगा। जब इस कंपार्टमेंट में ब्लड रुक जाएगा तो क्या यहां की वेन डायलेट नहीं हो जाएंगे? जब यहां की वेन डायलेट हो जाएंगी तो वही तो हमने लिखा है अबनॉर्मल डायलेशन, कि ये नॉर्मल फिनोमिना है, ये नॉर्मल फिनोमिना नहीं है। यहां की जो वेन है यानी यहां का ये जो पार्ट है ये डायलेट हो जाएगा, वही तो हम लिख रहे हैं अबनॉर्मल डायलेशन ऑफ वेन इज नोन एज वेरिकोज वेन। तो यहां पर हमने देखा पहली बात तो अगर जो वाल्व है अगर इसका वीक हो जाए, कोई समस्या आ जाए वाल्व के अंदर जिससे कि प्रॉपर फंक्शन ना कर पाए तो क्या होगा, यहां पर वेरिकोज वेन हो जाएगा। तो पहला लिख सकते हैं यहां पर डिसफंक्शन ऑफ यूनिडायरेक्शनल वाल्व। यानी अपने जो अपना वाल्व है ये अपने काम करने के लिए असमर्थ, अपने काम ना करवाने में असमर्थ हो जाना, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डिसफंक्शन ऑफ यूनिडायरेक्शनल वाल्व। या किसी डिसीज कंडीशन कारण, वीकनेस कारण, कुछ भी हो सकता है। यहां पर डिसफंक्शन ऑफ यूनिडायरेक्शनल वाल्व पहला लिख दिया। अगर यहीं पर दूसरी बात करें तो क्या होगा, नेक्स्ट हो सकता है अगर यहां पर मान लीजिए थ्रोम्बस बन गया, यहां पर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया किसी कारणवश, इस वेन में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। अब ऑब्स्ट्रक्शन के बाद क्या आप बताएं, यहां से जो ब्लड आया है वो इसके ऊपर जा पाएगा, इस वेन के आगे जा पाएगा? जब वेन के आगे नहीं जा पाएगा तो क्या आप बताएं यहां पर वेन का अबनॉर्मल डायलेशन हो जाएगा नहीं हो जाएगा? जब यहां पर अबनॉर्मल डायलेशन हो जाएगा तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, इसी को हम कह रहे हैं अबनॉर्मल, क्या कह सकते हैं, वेरिकोज वेन कह सकते हैं। तो पहला तो हम डिसफंक्शन ऑफ यूनिडायरेक्शनल वाल्व लिख सकते हैं, दूसरा लिख सकते हैं ऑब्स्ट्रक्शन इन द वेन बाय थ्रोम्बस के कारण। यहां पर ऑब्स्ट्रक्शन वेन में हो जाए जिसे हम क्या क्या कह रहे हैं, इसके कारण से कौन सी कंडीशन डेवलप होगी, यहां पर वेरिकोसिटी यानी वेरिकोज वेन डेवलप होगी, यहां पर वेन जो है ये डायलेट हो जाएंगी, इसी को हम क्या कह रहे हैं यूनिडायरेक्शनल, सॉरी इसी को हम कह रहे हैं वेरिकोज वेन कह रहे हैं। तो हमने देख लिया कॉज, और कुछ इसके रिस्क फैक्टर है, ये तो रिस्क फैक्टर में क्या होगा, सबसे पहला होता है प्रेगनेंसी या और मल्टीपल प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में क्या होगा, इस समय क्या होता है, अगर प्रेगनेंसी में क्या होता है, अपनी अबडोमिनल की जो अबडोमिनल गर्थ है ये बढ़ जाती है ड्यू टू अबडोमिनल गर्थ। अबनॉर्मल गर्थ जो है ये क्या हो जाती है, ये बढ़ जाती है। जब अबनॉर्मल गर्थ बढ़ जाती है तो इस समय क्या होता है, जो अपना रेस्पिरेटरी पंप है, जो अपनी रेस्पिरेटरी पंप है वो क्या है, अच्छे से काम नहीं। मैंने अभी दिखाया था कि अपने जो ब्लड है इसको अपने राइट एट्रियम तक ब्लड आने के लिए किसकी जरूरत है, तीन सिस्टम की जरूरत है। पहला मस्कुलर पंप होना चाहिए, यूनिडायरेक्शनल वाल्व, नेक्स्ट होता है रेस्पिरेटरी पंप। अगर तीनों अच्छे से काम करेंगे तो क्या होगा, जो अपना वेनस का ड्रेन है, वेनस ड्रेन अच्छे से हो जाएगा। यहां पर क्या होगा, अबडोमिनल गर्थ बढ़ने के कारण, जब अबडोमिनल गर्थ बढ़ जा रही है तो क्या रेस्पिरेटरी पंप अच्छे से काम कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। अगर रेस्पिरेटरी पंप अच्छे से नहीं काम करेंगे तो ब्लड का ड्रेन अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो पहला हो गया प्रेगनेंसी और मल्टीपल प्रेगनेंसी, दूसरा होता है ओबिसिटी मोटापा, उसमें भी क्या होता है अबनॉर्मल गर्थ बढ़ जाती है जिससे कि रेस्पिरेटरी पंप अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं और अच्छे से ब्लड ड्रेन नहीं हो पाता है अपने राइट या कह सकते हैं अपने हार्ट तक के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट। अगर कोई भी व्यक्ति या कह सकते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल अगर कोई व्यक्ति किसी के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा, उसके अंदर भी अपने वेरिकोसिटी होने की संभावना ज्यादा है। नेक्स्ट बात करते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल डिपेंड करता है हाई फैटी डाइट, अगर कोई व्यक्ति हाई फैटी डाइट कर रहा है उस समय भी ये संभावना ज्यादा है। नेक्स्ट बात करते हैं सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, किसी व्यक्ति की अगर सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है उस समय भी ये वेरिकोज वेन होने की संभावना ज्यादा है। ये अपने क्या हो गए, रिस्क फैक्टर हो गए,
अगर इस कंडीशन में, अगर ये भी कोई कंडीशन अगर किसी व्यक्ति के अंदर है तो उसमें वेरिकोज वेन ज्यादा संभावना है या ज्यादा देखने को मिल सकता है। ये हो गया अपने रिस्क फैक्टर। नेक्स्ट इसके अंदर बात करें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पर्टिकुलर इसमें होता क्या है, किसी भी अगर कोई पेशेंट है वो जब देखता है उसकी लेग में कहीं पर थोड़ा सा भी अबनॉर्मल डायलेशन है तो क्या करता है, वो डॉक्टर के पास आता है और डॉक्टर को इन्फॉर्म करता है कि डॉक्टर साहब आप देखिए यहां पर इस वेन में क्या हुआ है। तो डॉक्टर देखते ही पहचान जाता है क्योंकि यहां पर वेरिकोसिटी हुई है और जस्ट पेशेंट से पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है। पेशेंट बताता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई पेन नहीं हो रहा है। स्टार्टिंग में अगर बात करें इनिशियल स्टेज में तो यहां पर कोई पेन नहीं होता है, कोई समस्या नहीं होती है। अगर इसमें कोई समस्या नहीं होती है तो जो क्या कहते हैं डॉक्टर होता है, डॉक्टर भी कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकता है। तो पहले लिख सकते हैं यहां पर एसिम्प्टोमेटिक, एसिम्प्टोमेटिक, एसिम्प्टोमेटिक रहता है। लेकिन वही पेशेंट अगर एक साल बाद अगर डॉक्टर के पास विजिट करता है तो वो कहता है कि अब जब भी जो क्या कहते हैं पेशेंट होता है, जो पेशेंट है अगर वो जब घर वापस आता है ड्यूटी से शाम को तो देखता है कि वहां पर एडिमा हो गया, यानी लेग एडिमा हो गया है। तो एड कह सकते हैं इन द लेग कुछ लेट में, या कह सकते हैं जब से वेरिकोज वेन स्टार्ट हुआ है, जब से डायलेट वेन का होने लगा है उसके कुछ दिन बाद लेग एडिमा भी होने लगा है। तो कह सकते हैं इन लेट कंडीशन, इन लेट कंडीशन लेग एडिमा अपीयर। इन लेट कंडीशन क्या हो सकता है, लेग एडिमा अपीयर हो सकता है। नेक्स्ट बात करें अगर ये स्टेज और पार करते और ये लेग एडिमा जो है ये सिर्फ व सिर्फ कब होगा, इवनिंग टाइम, इवनिंग टाइम। अगर मरीज पूरा दिन काम करके आता है तो शाम को देखता है कि उसके लेग में एडिमा है तो वो क्या होगा, वो लेग कंडीशन। और इससे ज्यादा और अगर कंडीशन और डेवलप हो जाए या टाइम और आगे बढ़ जाए तो इन लेट स्टेज या लेट कंडीशन, इससे भी ज्यादा लेट कंडीशन में क्या होगा कि द एडिमा मेंटेन फुल डे या होल डे। अब क्या होने लगेगा अगर इससे भी ज्यादा, अगर ये आपने देखा तुरंत अगर पेशेंट आया है स्टार्टिंग में आया है तो वहां डॉक्टर पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है, पेशेंट बताता है कोई दिक्कत नहीं है मुझे, तो उस समय एसिम्प्टोमेटिक है, कोई सिम्टम नहीं आ रहा है। लेकिन कुछ उससे भी अगर एक साल बाद पेशेंट आया वहां पर देखेंगे कि शाम को जब पेशेंट पूरा दिन काम करके शाम को घर आता है तो वहां पर देखता है कि उसके लेग में एडिमा है इवनिंग टाइम पर मोस्टली। और कुछ अगर फर्दर और कंडीशन डेवलप होती है तो उसमें क्या देखता है कि पूरा दिन उसमें एडिमा बना रहता है। तो यहां पर देख ले एडिमा मेंटेन फुल डे या होल डे, पूरा दिन एडिमा बना रहता है। यहां पर इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो गए, जैसे जैसे स्टेज बढ़ती है वैसे वैसे इसमें प्रॉब्लम या पेशेंट में प्रॉब्लम बढ़ती है। तो ये अपने हो गए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। दूसरी बात करें इसमें डायग्नोस क्या करेंगे, यानी जो वेरिकोज वेन है वेरिकोज वेन के लिए कौन कौन से यहां पर हम लिखेंगे डायग्नोस्टिक मेजरमेंट, डायग्नोस्टिक मेजरमेंट। डायग्नोस्टिक मेजरमेंट में क्या करेंगे अगर इसको वेरिकोज वेन को पता करना है तो इसके लिए सबसे पहले कलर डॉपलर, कलर ड्रॉपलर, कलर ड्रॉपलर का यूज करेंगे। कलर ड्रॉपलर में क्या होता है किसी भी वेन में अगर किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन है या कहीं पर इसमें क्या होता है कलर अगर वेन में करेंगे तो वेन का जो कलर होगा यानी थोड़ा सा ब्लूनेस वो दिखाई देगा। अगर बात करें अपने आर्टरी में अगर करेंगे तो वो आर्टरी का जो ब्लड रेड रहता है उस टाइप का दिखाई देगा। तो यहां पर कलर से यानी कह सकते हैं कलर डॉपलर, ये अच्छे से इससे अपीयर हो जाएगा कि वेरिकोसिटी कहां है, किस वेन में ज्यादा डायलेशन है, तो कलर डॉपलर करेंगे। दूसरी बात करते हैं यहां पर करेंगे फ्लिपोग्राफी, फ्लिपोग्राफी और वेनोग्राफी। वेनोग्राफी या फ्लिपोग्राफी दोनों एक बात है, इसका क्या करते हैं एक्चुअल में इसका अच्छे से विजुलाइजेशन करने के लिए ये दोनों प्रोसेस करते हैं या एक ही प्रोसेस है, वेन को अच्छे से
विजुलाइजेशन करने के लिए कहां पर विस्कोसिटी हुई है वहां पर देखने के लिए हम बेनोग्राफी या फ्लेबोग्राफी करते हैं। ये दोनों अपने मोस्टली हैं, नेक्स्ट कर सकते हैं, इसका स्टार्टिंग में ही कर सकते हैं इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन से ही अच्छे से विस्कोस वेन कहां हुआ है इसको मोस्टली अपना फिजिकल एग्जामिनेशन से ही, फिजिकल एग्जामिनेशन से ही इसको अच्छे से देखा जा सकता है। अगर उसको फर्दर और अच्छे से देखना है ब्लड डॉपलर या फ्लेबोग्राफी या बेनोग्राफी करा सकते हैं। नेक्स्ट इसके मैनेजमेंट की बात करें, चल मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। मैनेजमेंट हमने देखा था पेशेंट को क्या हो रहा था, हमने देखा था क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में पेशेंट को एडिमा हो रहा था। अगर जैसे ही जो जो साइन एंड सिम्टम्स पेशेंट के अंदर आएंगे हमको उसको मैनेजमेंट के अंदर क्या करना है, सब्साइड करना है। तो वहां पर हमने देखा पेशेंट के अंदर क्या रहा था, पेशेंट के लेग में एडिमा हो रहा था। अगर उस एडिमा को दूर करना है तो उसको हम एडवाइस देंगे, जैसे ही आप घर वापस आते हो शाम को ड्यूटी करके आते हो वैसे ही आपको क्या करना है, एक घंटे तक आपको सुपाइन विथ लेग एलिवेशन, सुपाइन पोजिशन में आपको रहना है और लेग को एलिवेट करके रहना है। तो पहला उसको सलाह देंगे कि टेक सुपाइन पोजिशन या सुपाइन पोजिशन विथ लेग एलिवेशन। क्या होगा, जब मान लीजिए लेग बैंड में, ये लेग की वेन है, लेग बैंड में यहां पर अगर वेरिकोसिटी पाया जाएगा तो क्या होगा, यहां पर जब पेशेंट सुपाइन पोजीशन में लेटेगा, सुपाइन पोजीशन में लेटने के बाद जब इस लेग को अगर एलिवेट करके रखेगा तो क्या होगा, वहां पर क्या होगा, ब्लड ड्रेन होकर के अच्छे से आ जाएगा और वहां पर एडिमा डेवलप नहीं होगा। जब वहां पर एडिमा डेवलप नहीं होगा तो वहां पर कह सकते हैं जो वेरिकोसिटी है, अगर वेरिकोसिटी डेवलप नहीं होगी तो एडिमा नहीं होगा, तो यहां पर यह कंडीशन सबसाइड हो जाएगी इनिशियल स्टेज में। अगर उससे ज्यादा फर्दर कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होता है तो वहां पर कह सकते हैं यहां पर एक कंप्रेशन स्टॉकिंग। अगर पेशेंट में पूरा दिन लेग एडिमा बना रहता है तो उसके लिए प्रेफर करते हैं डॉक्टर, उसके लिए बताता है कि क्या करना है आपको, पूरा दिन फुल डे क्या करना है आपको, कंप्रेशन स्टॉकिंग पहनकर रखना है। इससे क्या होगा, वहां पर कैपिलरी जो है, कैपिलरी में क्या नहीं होगा, वहां पर लीकिंग नहीं होगी। जब यहां पर क्या है, कंप्रेशन स्टॉकिंग क्या करता है, अपनी सारी वेसल्स को कंप्रेस करके रखता है। जब ये कंप्रेस करके रखता है तो क्या है, उसका फ्लो ऊपर के लिए अच्छे से होगा। जब अच्छे से ब्लड फ्लो ऊपर के लिए होगा और जो अपने वेसल्स हैं उसका कंप्रेशन रहेगा तो वहां पर वेन लीक नहीं करेंगी, जब लीक नहीं करेंगे तो एडिमा डेवलप नहीं होगा। दूसरी बात हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पर कुछ थेरेपी का मेंटेन करते हैं। एक होती है स्क्लेरोथेरेपी। स्क्लेरोथेरेपी में क्या करते हैं, मान लीजिए वेन है और यहां पर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है। इस ऑब्स्ट्रक्शन को दूर करने के लिए एक पैलिडो कैनाल डाई का यूज करते हैं इसमें, यानी पैलिडो कैनाल डाई को इसमें इंसर्ट करते हैं या इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्ट करने के बाद 21 दिन बाद, आफ्टर 21 दिन बाद इसको ड्रेन करते हैं। ड्रेन करने के बाद इसमें से जो ब्लैक सब्सटेंस यानी जो ऑब्स्ट्रक्शन है, ये ब्लैक सब्सटेंस के रूप में ये बाहर निकल जाएगा और जब बाहर निकल जाएगा तो इसमें क्या होता है, जो ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा वो सही हो जाएगा, तो अच्छे से ब्लड प्रॉपर अच्छी तरीके से वो ड्रेन हो सकता है। तो इसमें क्या होगा, स्क्लेरल थेरेपी के अंदर इट इज अ थेरेपी इन विच पैलिडो कैनल डाई इज इंजेक्टेड इन टू द वेरिकोस वेन एंड इट इज ड्रेन आफ्टर 21 डेज एंड अ ब्लैक सब्सटेंस इज फाउंड एंड द ऑब्स्ट्रक्टेड पार्ट इज ओपन। क्या है, जो ऑब्स्ट्रक्टेड पार्ट है ये ओपन हो जाएगा, जब ओपन हो जाएगा तो अच्छे से ब्लड फ्लो हो पाएगा। ये हो गया अपने स्क्लेरोथेरेपी। दूसरा होता है वेन स्ट्रिपिंग के अंदर क्या होता है, इट इज अ सर्जिकल प्रोसेस इन विच द ऑब्स्ट्रक्टेड वेन इज रिमूव्ड। It is a surgical process in which obstructed vein is removed. क्या होता है, 10% जो अपनी superficial vein है, मान लीजिए ये vein है जो कि superficial है,
सुपरफिशियल कितने परसेंट को लाती है, 10% को लाती है। अगर इस वेन को, अगर सुपरफिशियल वेन को अगर इसको सर्जिकली रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, कोई दिक्कत फर्दर नहीं आएगी, क्योंकि 10% ला रही है, 10% इसको लाने, इसी 10% ब्लड को लाने के लिए दूसरी यानी लिम्फेटिक वेसल्स हैं, लिम्फेटिक वेसल्स ला सकती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स, इसीलिए इसको क्या करते हैं सर्जिकली इस वेन को, यानी जो वेन ऑब्स्ट्रक्टेड हुआ है जिसमें वेरिकोसिटी हुई है उस वेन को यहाँ पर रिमूव कर देते हैं, उसे कहते हैं वेन स्ट्रिपिंग। वेन स्ट्रिपिंग हो गया, स्क्लेर थेरेपी हो गया, इसके इसमें क्या करते हैं एक पैलिडो कैनाल, एक डाई होती है जिसको जहां पर वेरिकोज वेन हुई है, जहां पर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है वहां पर इसको क्या करते हैं, वहां पर इसको इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के बाद 21 डेज में इस क्या करते हैं, इस डाई को क्या करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं या ड्रेन कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ पर जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो डिसॉल्व हो जाता है, वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाता है। रिमूव होने के बाद वो अच्छे से ब्लड फ्लो अच्छे से होने लगता है। तो हमने देखा स्क्लेर थेरेपी, वेन स्ट्रिपिंग, उसके बाद कंप्रेशन स्टोकिंग। अगर पेशेंट के अंदर लेग एडिमा पूरा दिन मेंटेन रहता है तो उसके अंदर क्या करेंगे, उसके अंदर कंप्रेशन स्टोकिंग दे देंगे। उसके बाद अगर थोड़ी सी कंडीशन होती है तो उसके अंदर सुपाइन पोजीशन दे देंगे। अगर लेग, अगर वेरिकोसिटी हुई है, अगर फर्दर उसमें एडिमा नहीं हो रहा है, सिर्फ वेरिकोज वेन है, तो उसमें हम कोई भी मैनेजमेंट नहीं करने वाले हैं। अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसका हम कोई मैनेजमेंट नहीं करने वाले हैं। अगर फर्दर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन या फर्दर ज़्यादा प्रॉब्लम डेवलप होती है तो इस सारे मैनेजमेंट को हम अप्लाई करने वाले हैं। तो ये हो गई बात मैनेजमेंट की। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल।